नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, कल 31 अक्टूबर को दुनिया भर में हेलोवीन नाम का एक फेस्टिवल मनाया गया। इस फेस्टिवल को वसई में भी वसई अंतर्गत नए खुले रेस्टोरेंट जिसका नाम कैफे सियोल है और ये रेस्टोरेंट मानव मंदिर क्षेत्र के आसपास है, वहां पर मनाया गया। दरअसल हमें जब मालूम पड़ा और हम वहां गए तो हमने देखा वहां लोग अलग अलग गेटअप में, भूतहा गेटअप में वहां दिखाई दिए। तब हमने वहां जानकारी ली और इंटरनेट पर भी हमने जब इसको सर्च किया तब मालूम पड़ा कि ये एक त्योहार है, एक फेस्टिवल है जो दूर विदेशों में, पश्चिमी देशों में खासकर मनाया जाता है। और पश्चिमी देशों में क्रिसमस एवं न्यू ईयर के बाद तीसरा बड़ा फेस्टिवल है ये। अब पश्चिमी देशों के साथ ही साथ इंडिया में भी यह लॉन्च हो चुका है और इंडिया में भी लोग अब इस फेस्टिवल को मनाने लगे हैं। जैसा कि हमने अभी बताया, वसई में भी इसको कल मनाया गया, वैसा ही मुंबई अंतर्गत आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सोहा अली खान जो सेलिब्रिटी है, उन्होंने अपनी बेटी इनाया के साथ ये फेस्टिवल मनाया है। उसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें सोहा अली खान और उनकी बेटी इनाया अलग गेटअप में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा ही गेटअप में जब हम वसई के सियोल कैफे पहुंचे थे तो वहां के लोग दिखाई दिए थे। हमने सियोल कैफे में वहां के लोगों से बातचीत की। वहां इस कैफे को चलाने वाले दो काफी यंग, एक लड़का और एक लड़की, दो यंग जनरेशन के लोग हैं जो इसको चलाते हैं और इसका मैनेजमेंट काफी अच्छा है और काफी बेहतरीन वहां व्यवस्था है। आप भी अगर कभी चाहे तो जरूर इस कैफे पर विजिट कीजिए। आप तस्वीर में, विजुअल में जो देख रहे हो, कैफे का नाम के साथ में इनका मोबाइल नंबर है, आप उनसे अपना, उनका एड्रेस और अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। तो देखिए, इस पूरे फेस्टिवल से जुड़े हमारी ये कवरेज, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई के मानव मंदिर में, मानव मंदिर क्षेत्र में। यहाँ एक अलग तरह का रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, मीरा भाईंदर के बाद में। मीरा भाईंदर से आगे नायगांव हो या फिर वसई हो, नालासोपारा हो या विरार हो, अपने आप में कोरियन और जापानीज फूड सर्व करने वाला एकमात्र ये रेस्टोरेंट वसई के मानव मंदिर में पिछले कुछ समय से खुला है। यहाँ इनके काफी यंग लोग जो है, ये इनके फाउंडर मेंबर है, हम उनसे बात करते हैं। आज यहाँ इनका कुछ इवेंट, एक छोटा सा इवेंट भी है, ये इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, तो सीधा इनसे ही मुलाकात करते हैं। क्या इनका इस पे कहना है, किस तरह से इनको आइडिया है और क्या है? कुछ इनका एफर्ट इसमें है। बड़ा आपका नाम? मलिका रॉय। मलिका जी, आप किस तरह से रेस्टोरेंट की जानकारी दीजिए। हमने कोरियन एंड जापानीज स्टार्टर ओपन किया है एंड जैसे कि आप लोगों को पता है इंडियन चाइनीज तो काफी फेमस है, हम बाहर का कुछ प्रमोट करना चाहते थे एंड कोरियन और जापानीज इसके लिए ओपन किया हमने बिकॉज बीटीएस, केपॉप फैंस और एनिमे फैंस आजकल बहुत है। यंगस्टर्स में अगर आप देखोगे कॉलेज का क्राउड, स्कूल का क्राउड या फिर 25-30 एज ग्रुप में ऐसे क्राउड आते हैं, इसलिए हमने कुछ नया इवेंट किया है एंड लोगों को काफी पसंद आ रहा है। स्टार्टर्स जो वहां जाके नहीं खा पाते वो यहाँ लाइक फुल्लो एक्सपीरियंस कर पाते। आप काफी यंग है और ऐसे में आपको ये आइडिया कहाँ से आया? आपने सिर्फ कोरियन और जापानीज को ही क्यों चुना, क्योंकि ज्यादातर चाइनीज और दूसरे फूड है उसकी ज्यादा डिमांड रहती है, तो आपने कोरियन और जापानीज पर आपको रुख कैसे किया? क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स लोग केपॉप एनिमे ज्यादा देखते हैं, तो सोचा कि जो ड्रामा में देखते हैं वो क्यों ना हम लाए वसई में, इसलिए हमने ओपन किया। आप अपने कस्टमर को क्या बेस्ट देते हैं? क्या आपका नॉर्मल प्राइस है? कौन यहाँ आ सकता है? किस तरह का इवेंट है? सो हम स्टार्टर्स में, लाइक कोरियन स्टार्टर्स में वेज और नॉन वेज कॉम्बो सर्व करते हैं जो कि काफी फेमस है। और कोरियन स्टार्टर में नॉन वेज में कोरियन फ्राइड चिकन है, कैप्सू है जापानीज में जो कि काफी फेमस है। सो वो कैसे कि 100-300 की रेंज में एंड स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट सब आ सकते हैं, आके खा सकते हैं।
आपके जो भी शेफ है वो कौन है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि क्या लोकल कोई है वो इनको बनाते हैं कि बाहर के कोई है, और आपके साथ आपके एक और भी मेंबर फाउंडर मेंबर आपके है उनके जानकारी। सो हमारे जो लाइक सीईओ है बिजनेस के, वो है ही इज अ चाइनीज एंड इन्होंने होटल मैनेजमेंट किया है, प्लस फैमिली बिजनेस भी रन हुआ है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। एंड ऊपर से ये सिर्फ 21 एज के, एंड 21 एज में इन्होंने इतना लाइक इनका ही सब मास्टरमाइंड है। मैं तो मार्केटिंग करती हूँ बट सब प्लान रेसिपी इनका ही है। हम यहाँ जब आए और उन्हें थोड़ा जानकारी लगा चाहा तो हमें ये समझ पड़ा कि आप किसी तरह का एक्स्ट्रा मसाला नहीं रहते, ओरिजिनल रेसिपी पर तो क्या है। सो ऑथेंटिक के बारे में ये ज्यादा जानकारी दे पाएंगे क्योंकि ये शेफ है हमारे, हेड शेफ एंड सीईओ। सॉरी मुझे चाइनीज नहीं आती लेकिन रेसिपी जो भी है बहुत कम मसाले यूज किए जाते हैं, बट हम लोग ट्राई करते हैं कि वो जितने मसाले से हैं या इंग्रेडिएंट जिसको बोला जाता है उसी से हम लोग जो जितना हो सके उतना टेस्ट ला सकते हैं। आप कितने सालों से इंडिया में काम कर रहे हैं? मैं बचपन से कुकिंग कर रहा हूँ, फैशन मेरा अभी ज्यादा है तो इसलिए मैंने कैफे स्टार्ट किया। कुकिंग में इंटरेस्ट है, मैंने डायरेक्टली शेफ थे, एग्जीक्यूटिव शेफ थे, उनसे काम सीखा मैंने, उनके अंडर पे भी काम किया, अभी जाकर मैंने कैफे स्टार्ट किया। मैडम अभी हमें काफी समय से हो तो देखा मुझे स्पेशल फूड जैसा दिखाई दे रहा है, आप भी अलग गेटअप में हो तो ये क्या कुछ विषय है? सो हम हैलोवीन थीम पर लाइक सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैलोवीन इवेंट है जो कि बाहर देश में सेलिब्रेट किया जाता है। सो हमने सोचा क्यों नहीं आजकल के यंगस्टर्स को ये सब सेलिब्रेट करना है, हम भी कुछ एंजॉय करें उनके साथ। इस तरह के सेलिब्रेशन रेगुलर बेसिस पे होते हैं या विशेष कोई ऐसा मौका होता है? सो जो भी लाइक कोरियन जापनीज या बाहर के रिलेटेड होता है ना, जिसकी BTS एनिवर्सरी, के पॉप फैन बहुत सारे हैं, सो वैसे हम सेलिब्रेट करते हैं पर्टिकुलर डेज पर, जैसे किसी आइडल का बर्थडे हो या फिर उनकी लाइक एनिवर्सरी ओपन किया था तो हम सेलिब्रेट करते हैं यंगस्टर्स के साथ। आपके और जो कस्टमर आपके यहाँ आ चुके हैं या इन फ्यूचर आना चाहते हैं उसके आपकी तरफ से तो मेरा कहना यही रहेगा कि डू कम वन टाइम ट्राई आवर डिशेस, लाइक गिव इट अ ट्राई, वी आर डेफिनेटली श्योर यू विल लाइक इट। यू नीड टू अंडरस्टैंड द मेन रेसिपीज, हाउ इट इज कुक्ड एक्चुअली, बिकॉज इंडियन टेस्ट से काफी हटके है, किसी को पसंद नहीं आता, किसी को नहीं पसंद आता, बट फॉर श्योर यू वुड डेफिनेटली लाइक इट। वी हैव अ वैरायटी ऑफ डिशेज इन आवर मेन्यू एंड वी स्टिल एक्सपैंडिंग, और भी बहुत सारी चीज हम लोग ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, सो अभी तक ग्रोथ फेज में हम लोग। मैडम आपका नाम? माय नेम इज डॉक्टर बेला। इस कैफे में आपको आके कैसा महसूस हो रहा है और क्या लगता है, क्या नया है ये कैफे? मैं काफी महीनों से विजिट कर रही हूँ, ये मेरा चौथा बार है, तो मुझे एक रील से इंस्टाग्राम रील से पता चला है कैफे के बारे में, और रील ने कैफे को काफी फेमस किया, और मेरी जो दो डॉटर्स है वो के पॉप फैन है, BTS, Blackpink जो है उनकी फैन है, और उनको एनिमे देखना पसंद है, तो दे लाइक जापानीज एंड कोरियन फूड, तो उन्होंने बोला कि मम्मी मुझे यहाँ जाना, तो फिर उसी से मैं यहाँ पे आई, और जब भी मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे मल्लिका जी ने काफी अच्छे से एंटरटेन किया, एंड बहुत ही द वैरायटी ऑफ फूड जो मेरी, वो कॉर्न डॉग स्पेशली, वो लोग तो पागल है उसके लिए, तो ये हम लोग के फोर्थ टाइम आ रहा है, तो यहाँ का फूड वगैरह जो जिनको ऐसे कोरियन और जापानीज फूड का लाइक नॉलेज है वो उनको तो ये खाना बहुत पसंद है, और ये तो इट्स लिटिल ब्लैंडिश, मीन्स जो इंडियन चाइनीज प्रिफर करते हैं इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स लाइक ऑथेंटिक कोरियन और जापानीज फूड। थैंक यू। तो ये हम बात कर रहे थे अभी, इसका आपने नाम क्या दिया? मलिक, लाइक इसका नाम कैफे सीईओ। हम कैफे सीईओ के जो फाउंडर और को फाउंडर मेंबर है उनसे बात कर रहे थे, और किस तरह से इन्होंने बताया कि कुछ डिफरेंट अब ये यहाँ लॉन्च किया है उसे में, और हम अपने वीडियो के माध्यम से अपने दर्शक है उनको भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको भी इस तरह का कोरियन या चाइनीज फूड खाना हो तो एक बार विजिट जरूर कीजिए, इनका सर्विस जो है उसका एक बार एक्सपीरियंस जरूर लीजिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।
वीडियो में चल दिखाई दे रहे गूगल पे बारकोड को स्कैन कीजिए, चैनल को ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन कीजिए, हमें आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए। अभी के लिए इतना ही। अरे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।